4 महीने में जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से शिक्षा का पूरा बंटाडार हुआ है, पूरा ढर्रा चरमरा गया है। मुझे है शिक्षा मंत्री को शिक्षा को देखने का शायद समय ही नहीं है। जिस प्रकार से उनके प्रवक्ता ने यहाँ आकर के जो निजी शिक्षण संस्थाओं के बारे में चर्चा की है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब उनकी सरकार थी तब पूरे 3 साल के अंदर केवल 10,000 स्कूलों की फीस तय कर पाए और वह भी ढंग से नहीं हो पाई, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। हमने आकर के विधानसभा के अंदर नियम बनाया, जिस आज वो वेलफेयर की बात करते हैं सोसाइटी की, वो तो हमारी देन है। उसमें स्पष्ट हमने कहा है कि हर स्कूल के अंदर एक 10 लोगों की समिति होगी, तो उसमें 5 लोग मैनेजमेंट के होंगे, टीचर्स और मैनेजमेंट के, 5 लोग अभिभावकों के होंगे और अभिभावकों के नाम भी लॉटरी से तय होंगे। ये 10 लोगों की सहमति से ही फीस का निर्धारण हुई, तो पहले से नियम है। और फिर उस समय पिछले साल कुछ संस्था जब नियमों का लागू नहीं कर रही थी, ऐसे खिलाफ़ हमने एक्शन भी लिया और उनको नोटिस भेज करके उनकी एक की मान्यता भी हमने रद्द की, फिर वो कोर्ट में चले गए। तो एक्शन तो हमारी सरकार के समय हुए। इन्होंने आज तक इतने सालों तक इनका शासन रहा और पिछली बार तो हमसे पहले ये भी शासन में थे, इन्होंने कुछ नहीं किया। और आज भी 4 महीने के अंदर, चूँकि अभी तो एडमिशन का समय चल रहा है, स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं और इनको किसी भी मनमानी को रोकने के लिए इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है। यहाँ तक कि पढ़ाई के विषय में भी ढर्रा बिगड़ गया है। पहले बाल सभाएं पहले 4 महीनों में केवल 5% हुई हैं, ये सरकारी आंकड़ा है, मेरा नहीं है, इन्हीं का। तो इस ध्यान में आता है कि शिक्षा में केवल बड़ी बड़ी बातें करना, जुमलेबाजी करना, लोगों को चकमा देना, ताकि इस समय इलेक्शन के समय ये लोग ऐसी सहानुभूति अभिभावकों की ले सकें, ये केवल उसके कारण से इस प्रकार की टिप्पणी की है। बाकी इनकी टिप्पणी में किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं है। क्या आपको लगता है कि मई जून की जो फीस है, गर्मियों की छुट्टियां हैं, उसकी फीस वसूल ना जाएगी? क्योंकि कई सीबीएसई स्कूल रिलेटेड स्कूल जो है उसको वसूल रहे हैं। अगर टोटल साल भर की फीस होती है, उसके किस प्रकार से उनका खर्चा कितना, हमने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी के सहमति से ही सारे स्कूल के अंदर फीस स्ट्रक्चर खड़ा होगा। तो ये समिति का है, डेमोक्रेटाइजेशन सिस्टम में कि समिति तय करे। 5 अभिभावक हैं, यदि अभिभावक सहमत हैं, स्कूल का मैनेजमेंट सहमत हैं और स्कूलों में सुविधाओं के लिए जो आवश्यक है उतना परसेंटेज फीस ली जाए, कहीं कम भी की जानी चाहिए, कहीं कितनी लेनी चाहिए, ये तो पर स्कूल उस समिति पर हमने छोड़ा है। उसमें प्रावधान है, मान लो यदि पेरेंट्स के साथ सहमत नहीं है या मैनेजमेंट सहमत नहीं है, दे कैन अपील टू द डिविजनल कमिश्नर, वहाँ समिति बनी है। डिविजनल कमिश्नर सहमति नहीं तो सरकार को अप्रोच करें, लेकिन यह कोई व्यवस्थाओं में आगे बढ़ते नहीं है। केवल एक दूसरे शासन को केवल क्रिटिसाइज करना से उससे नियंत्रण होने वाला नहीं है, नियंत्रण के इम्प्लीमेंट कराने की आवश्यकता है, जिसमें सरकार पूरी तरह असफल सिद्ध हो रही है। हमने कहा न किसी प्रकार के 3 साल तक आप जो है ड्रेस इत्यादि वहाँ से नहीं दोगे, 3 साल तक बुक्स का परिवर्तन नहीं करोगे, ड्रेस का परिवर्तन नहीं करोगे, लिस्ट पहले लगाओगे, कम से कम 3 जगह मिले इसकी व्यवस्था करोगे, सारे नियमों में तो है। उस नियमों का इम्प्लीमेंटेशन हमारे समय तो हम कुछ काफ़ी हद तक कर रहे थे, लेकिन पिछले 4 महीनों में इसकी क्रियान्विति पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस कारण से स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैं सरकार को चाहूँगा कि वे हमारे द्वारा बनाए गए नियम और उनकी क्रियान्विति यदि करेगी तो उससे अभिभावकों का और विद्यार्थियों का भला होगा। Thank you.